बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू आर ऑल फाइन एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली मेम्बर्स बाय स्टेइंग एट होम। टुडे वी विल डू द न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट न्यूमेरिकल। अ वुडन ब्लॉक मेजर्स 40 cm × 10 cm × 5 cm हैज़ अ मास ऑफ 850 ग्राम। आपको तीन लेंथ्स गिवन है और ये तीनों मल्टीप्लाई हो रही हैं आपस में, तो मतलब कि तीन लेंथ्स अगर मल्टीप्लाई हों तो हमें पता चलता है कि ये वॉल्यूम के बारे में बताया जा रहा है। वॉल्यूम आपको गिवन है 40 × 10 × 5 cm³, और मास आपको 850 ग्राम गिवन है। हमने डेंसिटी फाइंड करनी है ऑफ़ द वुड। वॉल्यूम जो है, पहले हम इसको एक मल्टीप्लाई करके इसका फाइनल आंसर देख लेंगे। इनको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ जाएगा 2000 cm³। आप सेंटीमीटर क्यूब को मीटर क्यूब में चेंज करने के लिए आप इसको 1/100 से मल्टीप्लाई करेंगे या 100 के क्यूब से डिवाइड करेंगे, क्योंकि सेंटीमीटर के लिए हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो सेंटीमीटर क्यूब के लिए हम 100 क्यूब से डिवाइड करेंगे 2000 को। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.002 मीटर स्क्वेयर। उसके बाद हमने मास देखना है कि वो ग्राम में आपको गिवन है, उसको किलोग्राम में चेंज करने के लिए आप 1000 से डिवाइड करेंगे और हमारे पास आ जाएगा 0.85 किलोग्राम, क्योंकि हमें डाटा को ऐसा यूनिट में चेंज करना होता है, इसलिए हम ये कर रहे हैं। उसके बाद डेंसिटी जो है वो रो इज इक्वल टू मास ओवर वॉल्यूम, इसका फार्मूला है। इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास 425 किलोग्राम पर किलोग्राम आंसर आ जाएगा। उसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 3, मैं आपको स्मार्ट लेबस के अकॉर्डिंग न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ। न्यूमेरिकल नंबर 3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। हमें इन सारे ऑब्जेक्ट्स का वॉल्यूम जो है वो फाइंड करना है जबकि आपके पास मास और डेंसिटीज़ गिवन है। तो फर्स्ट में देखें, एन आयरन स्फीयर ऑफ मास 5 किलोग्राम, द डेंसिटी ऑफ आयरन इज़ 8200 किलोग्राम। मास आपको गिवन है और डेंसिटी गिवन है, और आपने वॉल्यूम फाइंड करना है। आप डेंसिटी का फार्मूला यूज़ करेंगे, रो इज इक्वल टू एम ओ और वी, उसको मॉडिफाई करके वॉल्यूम को सेपरेट कर लेंगे और उसमें वैल्यूज पुट करके आप आंसर ले आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट का जो है वो आंसर 6.1 × −4 m³ आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड में आपको 200 ग्राम मास गिवन है। पहले आप मास को ऐसे यूनिट में चेंज करेंगे किलोग्राम में, और उसके बाद आपको डेंसिटी की वैल्यू पे गिवन है। इन दोनों वैल्यूज़ को आप अगेन उसी फार्मूला में पुट करेंगे और आपके पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। और नेक्स्ट थर्ड में आपको मास गिवन है एक गोल्ड बार का 0.2 किलोग्राम, द डेंसिटी ऑफ गोल्ड बार इज़ 19,300 किलोग्राम/m³। डेंसिटी और मास आपको गिवन है, आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे अगेन उसी फार्मूला में और आपके पास आंसर आ जाएगा 1.0 × −5 m³। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 5, अ स्टूडेंट प्रेसेस हर पाम बाय हर थंब। एक स्टूडेंट जो है वो अपने हथेली को अपने अंगूठे से दबाता है, फोर्स लगाता है 75 न्यूटन की। हाउ मच जो है वुड बी प्रेशर अंडर हर थंब हैविंग कॉन्टैक्ट एरिया 5 cm². आपको एरिया गिवन है, आपको फोर्स गिवन है 75 न्यूटन, और आपने प्रेशर की वैल्यू फाइंड करनी है। प्रेशर का फार्मूला हमने पढ़ा है, फोर्स ओवर एरिया। इसमें आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे। याद रहे कि हमारा जो डाटा है वो SI यूनिट में कन्वर्ट हुआ हो। आपको एरिया यहाँ पे 1.5 cm² गिवन है, तो सेंटीमीटर को स्क्वेयर को मीटर स्क्वेयर में चेंज करने के लिए आप 100 स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे इसको, 100 स्क्वेयर से। अच्छा, क्योंकि सेंटीमीटर के ऊपर स्क्वेयर है, इसलिए 100 स्क्वेयर से आप इसको डिवाइड करेंगे और आपके पास जो है वो एरिया मीटर स्क्वेयर में आ जाएगा। उसके बाद आप इसको फार्मूला में पुट करें, आंसर आ जाएगा 5 × 5 N/m². नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 6, द हेड ऑफ अ पिन इज़ अ स्क्वेयर ऑफ साइड 10 mm। एक साइड आपको गिवन है, पिन का हेड जो है वो एक स्क्वेयर की शेप में है और उसकी एक साइड जो है वो 10 mm की है। आपने उसके बाद आपको प्रेशर गिवन है, सॉरी आपने प्रेशर फाइंड करना है, और आपको फोर्स गिवन है 20 न्यूटन। तो एरिया फोर्स प्रेशर फाइंड करने के लिए आपको फार्मूला पता है, फोर्स ओवर एरिया। फोर्स आपको गिवन है और एरिया आपने इस लेंथ से, आपको पिन जो है उसके हेड एक स्क्वायर की शेप में है, उसकी एक साइड की जो है लेंथ आपको गिवन है 10 mm², तो आप इसको एरिया में चेंज करने के लिए 10 mm को 10 mm से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास जो है
हंड्रेड मिलीमीटर आ जाएगा, और फिर उसको सेंटीमीटर में, फिर उसको जो है वो अपने मीटर स्क्वायर में चेंज करना है, उसके लिए आप इसको हंड्रेड स्क्वायर टेन रेज़ टू पावर माइनस थ्री जो है उससे के स्क्वायर से आप डिवाइड करेंगे, इसको टेन रेज टू पावर माइनस थ्री से आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि मिली की वैल्यू क्या होती है, टेन रेज पर माइनस थ्री, उसकी वैल्यू आप पुट करेंगे और फिर उसका आंसर आ जाएगा टेन रेज टू पावर माइनस फोर मीटर स्क्वायर। और प्रेशर अंडर द थंब आपने फाइंड करना है, उसके अंदर आप फार्मूला के अंदर वैल्यूज पुट करेंगे फोर्स और एरिया की, और आपके पास टू एक्सपोनेंट फाइव न्यूटन मीटर पर स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 11, द डायामीटर ऑफ अ पिस्टन ऑफ हाइड्रोलिक प्रेस इज 30 सेंटीमीटर। डायामीटर आपको हाइड्रोलिक प्रेस के जो पिस्टन है उसका 30 सेंटीमीटर गिवन है। हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर टू लिफ्ट अ कार वेइंग 20,000 न्यूटन ऑन इट्स पिस्टन इफ़ द डायामीटर ऑफ द पिस्टन ऑफ पंप इज 3 सेंटीमीटर। पंप का डायामीटर 3 सेंटीमीटर है, पिस्टन का डायामीटर 30 सेंटीमीटर है, कार का वेट जो है वो 20,000 न्यूटन है, और हमने फोर्स फाइंड करनी है। हाइड्रोलिक प्रेस में आपने फार्मूला पढ़ा था F1 ओवर स्मॉल a इज इक्वल टू F2 ओवर कैपिटल a। स्मॉल a जो एरिया है वो उस पिस्टन का है, स्मॉल पिस्टन का, जबकि कैपिटल a वो उस हाइड्रोलिक प्रेस के पिस्टन का एरिया जहाँ पे हमने वेट को लिफ्ट करना है। ठीक, तो आप इसके लिए डायामीटर आपको दोनों पिस्टन्स के गिवन है, आपने उसका एरिया फाइंड करना है पहले। डायामीटर डी इज इक्वल टू कैपिटल डी इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा, आप डायामीटर को 2 से डिवाइड करें तो आपके पास 15 सेंटीमीटर उसका रेडियस आ जाएगा। अब उस पिस्टन का जिसका डायामीटर 30 है उसका एरिया फाइंड करने के लिए आप 2πr² का फार्मूला पुट करेंगे, क्योंकि हमें सर्कमफेरेंस टोटल चाहिए, टोटल एरिया चाहिए उसका। तो एरिया का फार्मूला किसी क्लोज किसी सर्कुलर डिस्क का अगर हमने फाइंड करना हो तो हमारे पास उसका एरिया का फार्मूला 2πr² होता है। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे, और रेडियस जो कि आपको सेंटीमीटर में गिवन है पहले, उसको आपने मीटर में भी चेंज करना है 100 से डिवाइड करके। उसके बाद ये वैल्यूज़ आपने एरिया फाइंड करने के लिए 2πr² में पुट करनी है, और एरिया आपके पास आ जाएगा 0.1413 मीटर स्क्वायर। उसके बाद कार का जो वेट है वो आपको 20,000 न्यूटन गिवन है, और जो पंप का डायामीटर है, पंप या पिस्टन का डायामीटर है उस वो आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है। इसको अगेन आप डायामीटर से रेडियस में कन्वर्ट करोगे और फिर मीटर में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद उसका आप एरिया फाइंड करोगे 2πr² वाला फार्मूला पुट करके, और आपके पास एरिया आ जाएगा 1.413 एक्सपोनेंट माइनस 3 मीटर स्क्वायर। फोर्स आपने फाइंड करनी है जो आपने इस पंप पे अप्लाई करनी है F1 पे। उसके बाद F1 ओवर स्मॉल a, स्मॉल a स्मॉलर डायामीटर वाला एरिया है, स्मॉलर एरिया, और F1 वो फोर्स है जो आपने अप्लाई करनी है और जिसकी वैल्यू आपने फाइंड करनी है, और F2 जो है वो वेट की फोर्स है जिसको आपने लिफ्ट करना है दूसरे वाले पिस्टन के ऊपर, और दूसरे वाला पिस्टन जिस पे आपने कार को पुट करके उसको लिफ्ट करना है वो वाला, उसका एरिया कैपिटल A जो कि 30 सेंटीमीटर डायामीटर वाला एरिया था वो आपने वहाँ पर पुट करना है। और उसके बाद आप इसको सेपरेट करके F1 को इसको सॉल्व करें तो आपके पास 200 न्यूटन फोर्स F1 की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है F2 17.12, अ स्टील वायर ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 2 एक्सपोनेंट माइनस 5 मीटर स्क्वायर इज स्ट्रेच थ्रू 2 मिलीमीटर बाय अ फोर्स ऑफ 4,000 न्यूटन। स्टील वायर है उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया आपको गिवन है 2 एक्सपोनेंट माइनस 5, एक्सटेंशन जो है उसमें डेल्टा एल की वैल्यू 2 मिलीमीटर है, यानी कि कितनी एक्सटेंड हो गई है वायर को फोर्स अप्लाई करने से, 2 मिलीमीटर एक्सटेंशन है, डेल्टा एल चेंज उसमें, और मिलीमीटर को आप मीटर में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास 0.002 मीटर आ जाएगा। फोर्स की वैल्यू आपको 4000 गिवन है, और लेंथ की ये जो वायर है उसकी इनिशियल लेंथ आपको 1 मिलीमीटर गिवन है। तो आपने यंग्स मॉडुलस फॉर्म फाइंड करना है इसका। यंग मॉडुलस का फार्मूला आपने पढ़ा है FL/A (Δl). इसमें आप सारी वैल्यूज़ जो आपको डाटा में गिवन है आप पुट करेंगे और आपके पास आंसर आ जाएगा 2 एक्सपोनेंट 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके क्लास, आप लोगों को यकीन है मुझे कि न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप लाइव क्लास में मुझसे पूछ सकते हैं। ओके क्लास, फिर मान लाला, अस्सलाम वालेकुम।